व्यूअर्स, अगर आप किसी ऐसे जॉब में जा रहे हैं जहां पर अब आपके दांतों की जांच होनी है, यानी आपका डेंटल मेडिकल टेस्ट होना है, तो उसमें उससे पहले आपके बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि क्या आप उसमें पास हो पाएंगे या नहीं। मोस्टली उन लोगों के साथ में सबसे ज़्यादा समस्या आती है जिन्होंने पहले कभी अपने दांतों में कोई भी प्रोसीजर कराया है, या फिर जिनके दांतों में पहले कीड़ा लग गया था और दांत निकलवा दिए थे, तो क्या वो अब एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे या नहीं। इससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमारे पास था, एक नहीं बल्कि ऑलमोस्ट आप सभी के इससे मिले जुले क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सी फिलिंग एक्सेप्टेबल रहती है, या फिर क्या हमारे जो नकली दांत लगे हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे नहीं होंगे, जो परमानेंट टीथ है उस टाइप से वो हमारे एक्सेप्टेबल हैं या नहीं, और किस तरीके की फिलिंग या किस तरीके की जो भी हमने प्रोसीजर कराए हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं। तो इसमें जो सबसे पहला इनका क्वेश्चन है कि कौन सी फिलिंग एक्सेप्टेबल होती है, तो उसको अभी समझ लेते हैं कि इसमें दो तरीके की फिलिंग होती है। एक तो होती है लाइट क्योर फिलिंग और दूसरी होती है ग्लास एनोमर फिलिंग। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझने की हमें ये ज़रूरत है कि अगर हम अपने दांतों के मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो अगर हमारे सारे दांत बिल्कुल ठीक हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपने नज़दीकी अस्पताल में या किसी डेंटल सर्जन से मिलकर उनका एक बार चेकअप ज़रूर करवा लें और ये देख लें कि कहीं वो ज़्यादा गंदे तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दांत सब ठीक हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, लेकिन गंदे ज़्यादा हैं, पायरिया की दिक्कत है, टाटर जमा हुआ है, उसकी वजह से भी कभी कभी रीमेडिकल दे दिया जाता है, यानी कहा जाता है कि फिर पहले जाइए, पहले इसमें ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद फिर आइए। तो ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न ना हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं, तो पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें और जो छोटी मोटी कमियाँ हैं जिनको हम पायरिया या फिर गंदगी कहते हैं, उसको पहले साफ़ करा लें और उसके बाद ही जाएं। अब बात ये आती है कि आपके जो फिलिंग आपने कराई है वो कौन सी एक्सेप्टेबल होती है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, जिन लोगों के दांतों में कीड़ा लग गया होता है तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं और कई तरीके की फिलिंग करा लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर रेज इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो कहीं अच्छे डॉक्टर से नहीं मिल पाते, और वहाँ जो नज़दीकी जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं और जहाँ जो भी जिस तरीके से जो प्रोसीजर आसपास के लोग करते होंगे उनसे जब वो कराते हैं, तो उसमें वो प्रॉपर फिलिंग नहीं भरते वो लोग जो कि मेडिकल टेस्ट में एक्सेप्टेबल होती है। तो फाइनली होता क्या है कि आपने तो सोचा है कि आपके दांतों में फिलिंग है कराई हुई और वो परफेक्ट फिलिंग है, और जब आप जाते हैं मेडिकल में तो वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए, ये इसलिए इसको आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके दांतों में किस टाइप की कौन सी फिलिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप मेडिकल में आराम से उसको क्वालिफाई कर लें। इसमें जो सबसे पहली जो फिलिंग है वो है लाइट क्योर फिलिंग। लाइट क्योर फिलिंग जो होती है वो अगर दांत में कीड़ा लग गया है, तो कीड़ा लगने के बाद डॉक्टर उसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद पॉसिबल अगर होगा तो उसका एक एक्सरे भी कराएंगे, जिससे उसकी रूट के बारे में पता चले कि कहीं रूट तो ख़राब नहीं है। अगर उसकी रूट ख़राब है तो पहले उसमें RCT होगी, पूरा प्रोसीजर होगा जिससे उसकी नस का इलाज होगा, जिससे आगे चल के दांत ख़राब ना हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद फिर उसमें फिलिंग होगी। और अगर रूट सही है और रूट में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जितने एरिया में कैविटी है उसको क्लीन करके फिर वहाँ पर आपके फिलिंग हो जाएगी। लाइट क्योर फिलिंग की एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये उसी समय तुरंत ड्राई हो जाती है और दांत से आप पूरा काम कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल दांत होता है। तो इसलिए इसको फिल करने के बाद, उस लाइट से इसको ड्राई करने के बाद उसको फाइनल टच दिया जाता है और आप उसके तुरंत बाद कहीं भी जा सकते हैं और खा सकते हैं कुछ भी, और उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसकी पॉजिटिविटी है कि लाइट क्योर फिलिंग बहुत तेज़ी से क्योर हो जाती है और एकदम से आपके दांत को परफेक्ट बना देती है। दूसरी फिलिंग है ग्लास एनोमर फिलिंग, जो कि अमूमन जितने भी डॉक्टर्स बाहर बैठते हैं वो इसको करते हैं। इसको सेट होने के लिए लगभग 24 घंटे का समय चाहिए, और वैसे तो ये पहले भी सेट हो जाती है, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी पर्पस से 24 घंटे का समय इसको देना चाहिए। कोई भी हार्ड चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, और जो सख्त चीज़ें होती हैं उनको खाने से थोड़ा बचना चाहिए।
तो इसका भी प्रोसीजर वही रहेगा कि सबसे पहले दांत की जांच होगी कि उसमें किस लेवल की प्रॉब्लम है, उसकी रूट ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो फिर RCT की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसकी रूट ठीक है तो फिर उसमें जितने एरिया में कैविटी है उसको क्लीन करके फिर उसमें इस फिलिंग को भर दिया जाएगा। तो ये जो दो तरीके की फिलिंग है, ये भरने के बाद आपके दांतों को ये परफेक्ट बनाती हैं, और आपको जितने भी रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन फिलिंग किए हुए दांतों से आपका कोई भी नंबर कटेगा नहीं। लेकिन जो बाज़ार में बाहर अगर कहीं आप कम पैसों में या कहीं जो साइड में जो लोग काम करते हैं अगर उनसे फिलिंग कराते हैं, तो आई थिंक सो कि वो इस तरीके की फिलिंग को इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए वो समस्या खड़ी हो जाएगी मेडिकल में, और उसमें आपको रीमेडिकल या डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ज़रूर ध्यान दें कि दांतों का मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे नकली दांत अगर लगे हैं तो वो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जहाँ पर डिफेंस की जॉब है या फिर आर्मी से रिलेटेड जॉब है, तो उनमें माना ये जाता है कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, और उसमें अगर आपको रस्सा चढ़ना है या फिर आपको कोई दांतों का इस्तेमाल करके कोई कहीं पर लटकना है या कोई चीज़ खोलनी है या दांतों से कोई भी कर्री चीज़ पकड़नी है, कोई भी ऐसी गंभीर स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तो उसमें फिर आप अपने जो अगर असली दांत है तो उनका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके असली दांत नहीं है तो वो फिर आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जहां पर दांतों की जांच की जाती है, तो उसमें वो चाहते हैं कि आपके दांत जितने भी हों वो परफेक्ट हों, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम रही है तो वो प्रॉब्लम को भी एक सही तरीके से ठीक किया गया हो, जिससे कि वो दांत बिल्कुल ऐसे हों जैसे कि हमारे ओरिजिनल दांत होते हैं। तो इसलिए दांतों का मेडिकल ऐसे गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ITBP या फिर पैरामेडिकल, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें इसकी बहुत अच्छे से जांच भी की जाती है कि आपके दांत सारे ठीक हैं या नहीं। तो इसलिए अगर आप डेंटल मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले अपने जो नॉर्मल चेकअप है वो कहीं पर जाकर एक बार ज़रूर करा लें, जिससे कि आपकी शंकाएं भी दूर हो जाएं, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी वहां पर ठीक हो जाएं। तो आई थिंक सो कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कहीं मेडिकल के लिए जाना है तो उससे पहले आपका एक बार प्री चेकअप कितना ज़रूरी है। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब भी इस वीडियो को ज़रूर करें अगर आप आगे नए अपडेट वीडियो देखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।